जय हिंद साथियों, महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। साथियों, आज का जो विषय है हमारा वो है वैदिक सभ्यता से प्राचीन इतिहास का भाग है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी निपटा चुके हैं हम लोग, और अगला जो टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है साथियों? जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो आने वाली सभ्यता थी उसी को बोला जाता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, यानी मतलब क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब वहाँ के नगरों का जब पता चला, ठीक है, उसके बाद जब वहाँ से लोग आगे की ओर कहीं दूसरी जगह आकर बस गए, तो उन्हीं को बोला जाता है उसी सभ्यता को वैदिक सभ्यता साथियों। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं, और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपका जो है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करें। तो चलिए थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इसकी परिभाषा पर कि वैदिक सभ्यता क्या होती है। तो देखिए, सिंधु नदी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। साथियों याद रखिएगा, वेदों से प्राप्त होती है, और वेद का अर्थ क्या होता है साथियों? ज्ञान। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, वेदों से प्राप्त होती है वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी, तो ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर है साथियों यहाँ से? चलिए, उसके बाद जो आपको यहाँ पर दे रखा है साथियों वैदिक काल, तो वैदिक काल का जो आपको समय दे रखा है वो समय दे रखा है आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि दो काल को बांटा गया। एक तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बांटा गया साथियों, या पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है, और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। यदि ऋग्वैदिक काल को बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 के बीच का समय है। उत्तर वैदिक काल की यदि बात करें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय कहलाता है साथियों उत्तर वैदिक काल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद आगे देखें हम लोग, तो यहाँ देखिए कि इस काल की जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलती है। तो याद रखिएगा, वेद कुल चार प्रकार के वेद होते हैं साथियों, आगे हम लोग देखने वाले, जिसमें से जो पहला नंबर का वेद होता है साथियों वो होता है आपका, वो कहलाता है ऋग्वेद, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो ऋग्वेदिक काल में याद रखिएगा, इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है साथियों बाकी के जो तीन वेद बचे हैं कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद और आपके कौन सा अथर्वेद, इससे प्राप्त होती है। क्लियर है साथियों यहाँ तक? तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता याद रखिए, वह सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी साथियों, तो वो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर बता देता हूं। तो वैदिक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी साथियों वो क्या थी? तो जैसे कि ये हमारा क्या था, भारत, ठीक है, तो भारत था साथियों, तो यहां वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ वाला जो आपका जो क्षेत्र था ये वाला सिंधु नदी वाला, ठीक है साथियों, तो यही क्या कहलाता था आपको। और यहाँ पे आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल में एक नगर पड़ता था हड़प्पा, जहाँ से खोज की गई थी, ठीक है, और एक लरकाना सिंध में से यहाँ से आपका एक स्थल खोजा गया था मोहनजोदड़ो। तो ये पूरा का पूरा जो था साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे, ठीक है। तो ये पूरे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था साथियों? तो त्रिभुजा आकार था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जब पतन हो गया, पतन कैसा हुआ, तो बताया जाता है कि बाढ़ आने से जो है तहस नहस हो गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ से मेसोपोटामिया एक जो सभ्यता थी, ठीक है, तो वहाँ से सुमेरियन सभ्यता जो थी वहाँ की, वो आगे जाकर कहीं और जगह जाकर बस गई थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो देखिए, इतना आपको समझ आ गया होगा, अब देखते हैं इसके आगे की जो स्थिति है वो सारा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों, अगला आता है आपका कि आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी। देखिए यहाँ से कि आर्यों की जो प्रशासनिक, आर्य मतलब साथियों वही जो वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं साथियों, तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उनको पांच भागों में बांटा गया साथियों। कौन कौन सी? सबसे बड़ी जो कहलाती थी वो कुल कहलाती थी, फिर ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। याद रखिए कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो है कितने भागों में बांटी गई थी, तो पांच भागों में बांटी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, कौन कौन सा? कुल, ग्राम, विश, जन और कौन सा है साथियों आपका यहाँ पर? राष्ट्र। आगे देखिए कि कुल कितने वेद हैं, तो यहाँ पर चार वेद कहलाते हैं साथियों, याद रखिएगा, जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद और सामवेद, याद रखिएगा। तो यहाँ जो आपको दे रखा है साथियों पहले नंबर का वेद, वो दे रखा है आपको कौन सा साथियों? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, याद रखिए कि वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है आपका? तो ऋग्वेद कहलाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं साथियों, 1028 सूक्त होते हैं, और 10 462 क्या होती है? ऋचाएं। ऋचाएं मतलब साथियों इसको मंत्र भी बोला जाता है, रचनाएं भी बोला जाता है, और साथ में श्लोक भी बोला जाता है, जिसे हम लोग श्लोक कहते हैं, वो सभी क्या कहलाती है? आपकी ऋचाएं कहलाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, यानी कि सूर्य देवताओं को समर्पित, जो सूर्य देवताओं को समर्पित गायत्री मंत्र, वो इसी तीसरे मंडल में दिया गया साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको दे रखा है कि ऋग्वेद में स्रोत तथा प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन कौन से? इंद्र है, अग्नि है और सोम है। इंद्र के लिए साथियों याद रखिएगा 250 जो ऋचाएं दे रखी है, और अग्नि देवता के लिए 200 आपको यहाँ पर क्या दे रखी है? ऋचाएं दे रखी, यानी कि मंत्र दे रखे। तो ये भी आपको यहाँ से साथियों याद रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है कि इसमें बताइए, ठीक है। तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है साथियों, याद रखिएगा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चलिए और एक और चीज़ आती है साथियों कि जो वेद हैं इनके भी उपवेद भी होते हैं, याद रखिए। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है साथियों वो कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है साथियों उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना साथियों। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है साथियों उसे आयुर्वेद कहते हैं, याद रखिएगा आयुर्वेद, ठीक है साथियों। याद रखिएगा कि ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है साथियों, ठीक है। और जो यहाँ पर आपके मंडल दे रखे हैं तो इसमें से जो आठवां मंडल है साथियों, उस आठवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तो ये भी आपको याद रखना है। देवता सोम का उल्लेख है आठवें मंडल में, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला आपको वेद दे रखा है यहाँ पर यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है। यजुर्वेद कौन सा वेद होता है साथियों, जिसमें यज्ञ संबंधित जो भी मंत्र होते हैं, उच्चारण होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है साथियों, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा कहलाता है साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है कि यजुर्वेद का जो उपवेद है साथियों उसे क्या कहते हैं आपका, तो धनुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, धनुर्वेद कहते हैं, तो ये भी याद रखिए। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो यजुर्वेद है इसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, इसको पढ़ने वाले जो ऋषि हैं साथियों, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए एक सेकंड, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर समझा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में, देखिए इधर और छोटा कर देता हूँ, देखिए। तो जो यजुर्वेद है साथियों, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, अथर्व्यू कहते हैं, याद रखिए। क्या कहते हैं, अथर्व्यू कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ऋग्वेद का जो मैंने बताया था साथियों, ऋग्वेद का भी आपको बताया नहीं, ऋग्वेद का जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उसे होत्र कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है साथियों, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगली चीज़ आती है यहाँ पर, देखिए जैसे कि आपको दे रखा है कि जो यजुर्वेद है उसका उपवेद कौन सा साथियों, तो धनुर्वेद है, तो ये आपको याद रखना है, धनुर्वेद है, ठीक है। चलिए अगला दीदी सामवेद। तो सामवेद का साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, गान होता है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और इसमें संगीतमय स्रोत है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है साथियों, तो आपका सामवेद को कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। और इसका जो उपवेद है साथियों, इसका जो उपवेद है वो क्या कहलाता है साथियों आपका, तो गंधर्व वेद। क्या कहलाता है साथियों, गंधर्व वेद, गंधर्व, ठीक है, गंधर्व और वेद, गंधर्व वेद इसका उपवेद है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। गंधर्व वेद इसका क्या है साथियों, उपवेद है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, अगला आपको दे रखा है वेद कौन सा साथियों, तो अगला वेद आपको कौन सा दे रखा है, अथर्ववेद दे रखा है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यानी अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद है, इसमें कुल 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद्य हैं, और अथर्ववेद का संबंध जो है साथियों चिकित्सा तंत्र मंत्र वशीकरण से, यानी जो भी जादू टोटके होते हैं, जादू टोना टोटके जो भी होते हैं साथियों, ठीक है ना, ये सभी टोटके वगैरह जो भी होते हैं इसी अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, ठीक है। और सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं साथियों, सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं साथियों, उद्धरात्र कहते हैं, उद्धरात्र कहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक बताइए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसमें, चलिए आगे देखिए। तो वेद आप लोग समझ चुके हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है साथियों, चार, और वेदों के उपवेद होते हैं, और उपवेदों की संख्या भी कितनी होती है आपकी, चार। चलिए उसके बाद आते हैं पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है साथियों, 18, और इन पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन जो पुराण है साथियों वो है आपका कौन सा, मत्स्य पुराण। कौन सा है, मत्स्य पुराण, याद ही रखिएगा। और जो सबसे पुरानी स्मृति, यानी कि बोला जाता है, एक और चीज़ आती है इसमें, सबसे प्राचीन स्मृति, तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी कहलाती है साथियों आपकी, तो मनुस्मृति। कौन सी है, मनुस्मृति, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है आपकी, मनुस्मृति, क्लियर है। उपनिषदों की संख्या आपको कितनी दे रखी है साथियों, 108 दे रखी। उपनिषद मतलब क्या होता है साथियों, जहाँ पर गुरु के पास बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरुओं के समीप बैठना, ठीक है ना, ये आपको क्या कहता है, उपनिषद कहलाता है साथियों। और सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, 108 में से एक उपनिषद है साथियों मुंडक, जिससे क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है, क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद अगली चीज़ आती है कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, आर्य संस्कृत शब्द का जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, ये भी याद रखिएगा कि वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन होता है साथियों भारत में होता है, और आर्य का जो संस्कृत शब्द है उसे क्या कहते हैं साथियों, आर्य जो है एक संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। क्या होता है साथियों, श्रेष्ठ होता है, याद रखिएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था साथियों, तो सब अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय, जैसे मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए हैं, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि तिब्बत चीन से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव यानी कि ये हमारा विश्व का मानचित्र, यहाँ से आर्कटिक से आए हैं। तो ये याद रखिएगा कि मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि मध्य एशिया से आए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
का तिब्बत से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था उत्तरी ध्रुव से आए। क्लियर साथियों, आगे देखिए, आर्य सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो याद रखिएगा, जो आर्य लोग थे साथियों, ये सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी साथियों, याद रखना है। जैसे हमने देखा इसके विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। और यह एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा कौन सी है साथियों? तो संस्कृत भाषा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्यों की भाषा कौन सी है, तो आर्यों की भाषा संस्कृत है, याद। चलिए उसके बाद है आपका, देखिए कि ऋग्वेदिक नदियाँ, ऋग्वेदिक काल में जो नदियाँ थीं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो शुतुद्री नदी को जो है, जो वर्तमान में आधुनिक नाम सतलज नदी है, ये जाना जाता है। अश्कनी नदी, चिनाब नदी को कहा जाता है साथियों। विपाशा का नाम क्या साथियों? तो व्यास नदी कहा जाता है, विपाशा को व्यास नदी कहा जाता है। कुब्बा नदी तो काबुल, सदानीरा नदी गंडक नदी को कहा जाता है। सुवस्तु यानी कि स्वात नदी, पुरुषनी तो रावी नदी को कहा जाता है साथियों। वितस्ता नदी को झेलम कहा जाता है साथियों वर्तमान में। गोमती नदी को गोमल, दृश्य द्वती नदी घग्गर नदी को कहा जाता है, क्रमु कुर्रम नदी को कहा जाता है साथियों। तो ये ऋग्वेदिक काल की नदियां हैं जिनको वर्तमान नामों में जाना जाता है। आप जान सकते हैं कि सतलज नदी जिसे वर्तमान में जानते हैं उसे शुतुद्री नदी कहा जाता है। क्लियर है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए इसमें, ठीक है। चलिए अगली चीज़ है साथियों कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था साथियों, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था यहाँ पर? तो पशुपालन करना और व्यवसाय करना था साथियों। आर्यों का समाज जो था साथियों पितृप्रधान था, याद रखना है। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, इनमें स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी, तो ये भी याद रखना है। गाय को अधन्य कहा जाता था, यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु जो था साथियों घोड़ा था, और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा था साथियों? इंद्र, याद रखा। आर्यों का प्रिय जो पशु था घोड़ा था, और देवता इंद्र थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो कौन सी थी साथियों? लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है, तो ये भी याद रखना है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ऋग्वेद में गंगा का एक बार यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, याद रखिएगा। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है ऋग्वेद में, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है साथियों। चलिए अगली और आखिरी चीज़ बची आपकी यहाँ पर उत्तर वैदिक काल से के प्रमुख तथ्य भी देख लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता है, याद रखिए। और सभा और समिति दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ से एक बार फिर देख ले कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बांटा गया था, याद रखिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और कौन सा? शूद्र। फिर देख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज है, यानी कि पुरुषों को, व्यक्तियों को 4 भागों में बांटा गया था, याद रखना है। कौन सा? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये सभी ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया था ब्राह्मण ने, तो याद रखिएगा साथियों, ठीक है। और भुजाओं से क्षत्रिय ने लिया था, जांघों से वैश्य ने लिया था, और चरणों से शूद्र ने लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर यव जो दे रखा गौ को बोला जाता है, व्रीरी धान, माड़ उड़द, मूंग की दाल को गुड़द, ठीक है ना। तो साथ ही ये सभी आपको याद रखना है। अगला है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए थे। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होगी साथियों। बहुत मेहनत से मैंने आप लोग के लिए फॉर्मेट यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला वीडियो लेके आऊँगा साथी, वो आएगा आपका पूरा का पूरा इसके प्रैक्टिस सेट का, जो हम लोग वैदिक सभ्यता को निपटाएंगे। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।